टीकमगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में पूर्व केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद की अध्यक्षता में कोविड-19 से बचाव को लेकर आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तीसरे चरण में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए आम जन और जनप्रतिनिधियों से राय लेकर नई गाइडलाइन के तहत बचाव के लिए कार्य करने पर चर्चा की गई। बैठक में शहर के जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों में कोविड की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी बताया। इस दौरान नियमों का पालन नहीं करने पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के अलावा टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी, खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी, कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे, ASP ML चौरसिया, ASDM सौरभ मिश्रा सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा क्षेत्र की जनता से अपील की कि वे घर के बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं और बाजार और शादी विवाह आदि आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और जनप्रतिनिधियों की प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त रूप से बैठक हुई, जिसमें सभी ने अपने अपने सुझाव कैसे हम अपने जिले को जो है ना इसके संक्रमण से जो तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा है कैसे इससे अपने शहर को जिले को बचाया जा सकता है। सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और व्यापारिक संस्थानों को एक दिन बंद रखने की बात कही। फिर इसके साथ ही साथ बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा मास्क देने की बात भी कही गई। कुछ चीज़ों के बारे में निर्णय भी लिए गए, जैसे कि शादी विवाह के समारोह का आयोजन रात्रि के 10 बजे तक जो है ना इसमें हो जाना चाहिए, और चाहे धार्मिक आयोजन हो या सामाजिक आयोजन हो उसमें संख्या सीमित होना चाहिए, उससे ज़्यादा संख्या नहीं होना चाहिए। ऐसी सारी बातें सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सबकी अंतरहृदय से जो है ना सभी संगठनों के प्रतिनिधियों के द्वारा इन बातों में सहमति प्रदान की गई, और इसके कारण से हम सब जो है ना सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, लोगों को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। कुछ स्थानों पर कुछ सख्ती भी करने की आवश्यकता है, प्रशासन उस बारे में भी जो है ना विचार कर रहा है कि लापरवाही करने वाले लोगों के विरुद्ध जो है ना सख्ती के साथ कदम उठाए जाएँ। तो दो कदम शासन चलेगा, दो कदम समाज चलेगा, और जब सब कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो हम अपने टीकमगढ़ जिले को जो है ना कोरोना संक्रमण के उससे जो है ना दुष्प्रभाव से बचा सकेंगे। आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट सामने आए हैं, उन सब पे अभी डिसीजन हो गया है, उस पर जारी हो जाएगा प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन। और ये तय हुआ है कि जो भी भीड़ भाड़ वाली जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिली है पिछले कुछ समय में, उन सभी को थोड़ा प्रतिबंधित किया जाएगा। और अभी कोरोना का संकट दोबारा से जो हो रहा है, तीसरा चरण चालू हो गया है कोरोना का, तो उसको अपन अभी बढ़ने से पहले ही स्टॉप कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और सारे जनप्रतिनिधि ने अपने अपने सुझाव दिए, सब तैयार हैं, और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके परिवार सुरक्षित रहे, उसके बच्चे सुरक्षित रहें, और हर व्यक्ति कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। आज या कल प्रशासन की गाइडलाइन यहाँ से जारी हो जाएगी जिले के लिए, और सब उसका सख्ती से पालन करेंगे। कोरोना का तीसरा चरण है, इसको लेकर बैठक आयोजित की गई, इसमें निर्णय लिया गया कि टीकमगढ़ कोरोना की गिरफ्त में ना आए, इसकी चपेट में ना आए, इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या क्या करना है। और इसकी रोकथाम के लिए शहर के उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने सुझाव रखे, और उन सुझाव पर प्रशासन द्वारा अमल किया, जिसमें प्रमुख रूप से कि अधिक से अधिक भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, शादी में 100 लोग से अधिक ना हो, 100 लोग से अधिक होते हैं तो उनकी परमिशन ली जाए, मार्केट 8 बजे बंद किया जाए, और जो भी सुझाव आए, कई ऐसे शहर के व्यवसायी लोग थे, NGO थे, मेडिकल एसोसिएशन थे, बस ऑपरेटर एसोसिएशन थे, इन लोगों ने भी मास्क देने की घोषणा की, जिसमें मोटर कर्मचारी यूनियन और निर्माण समिति द्वारा 51,000 रुपये मास्क के लिए दिए गए, 20,000 मास्क मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दिए गए। व्यापार उद्योग से शहर के जितने भी व्यापारी संगठन ने आश्वस्त किया कि 2-3 दिन में जो हमारी संख्या होगी वो हम बताकर आपको मास्क उपलब्ध कराएंगे, शहर की जनता को निःशुल्क बांटे जाएंगे और कोरोना के लिए जागरूक किया जाएगा। नगर टीकमगढ़ की जनता से, पूरे क्षेत्र की जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि सैनिटाइज का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और अपने आप को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी
हमारी स्वयं की। यदि हम सुरक्षित हैं तो हमारा परिवार सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित तो हमारा समाज सुरक्षित है, मोहल्ला सुरक्षित है, शहर सुरक्षित है। निश्चित तौर पर जो शासन की गाइडलाइन है उसका पालन करें। बुरहानपुर